Hello everyone and welcome to Achieve IAS. My name is Akash Vijayaran. अभी recently आपने एक newspaper का नाम सुना होगा, एक काफी famous newspaper है England का, The Times. उसमें भी एक article publish हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि जो Chinese army है उसने लद्दाख में microwave weapons का इस्तेमाल करके जो Indian army है उससे कुछ strategic areas से Indian army को वहां से निकाल दिया है. लेकिन इंडियन आर्मी ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया है. ठीक है, तो आज हम आज वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार माइक्रोवेव वेपन्स होते क्या हैं और क्या था ये पूरा वाक्य जो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ, और क्या था ये आर्टिकल वाली कॉन्ट्रोवर्सी क्या थी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. द इंडियन आर्मी हैज रिजेक्टेड एज बेसलेस एंड फेक रिपोर्ट इन द ब्रिटिश डेली न्यूज पेपर द टाइम्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि द टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसको इंडियन आर्मी ने कैटेगोरिकली बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, दिस इज एंटायरली अ फेक न्यूज. व्हिच हैड कोटेड अ चाइनीज प्रोफेसर टू क्लेम दैट द चाइनीज आर्मी हैड यूज्ड माइक्रोवेव वेपन्स टू ड्राइव इंडियन सोल्जर्स अवे फ्रॉम देयर पोजीशन इन ईस्टर्न लद्दाख. आपको पता है हमारा ईस्टर्न लद्दाख में ऑलमोस्ट मई से ही आपका एक स्टैंड ऑफ चल रहा है. ठीक है, तो इसमें जो इसके राइटर थे जो इस वाले आर्टिकल के, उसमें एक चाइनीज प्रोफेसर ने ऐसा कहा है कि चाइनीज आर्मी ने जो आगे PLA है, पीपल लिबरेशन आर्मी, उसने माइक्रोवेव वेपन का इस्तेमाल करते हुए इंडियन सोल्जर्स को कुछ स्ट्रेटेजिक पोजीशन से वहां से निकाल दिया था. ठीक है, मीडिया आर्टिकल्स ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइक्रोवेव वेपन्स इन ईस्टर्न लद्दाख आर बेसलेस. तो इंडियन आर्मी ने ट्वीट करते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा कि जितने भी आपकी ये मीडिया आर्टिकल्स है जिन्होंने ऐसा कहा है कि माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था, ये बिल्कुल ही बेसलेस है, बिल्कुल ही फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. तो फिर से आपको पता है कि जैसे कि मैं आपको बताया कि बेसिक सी बात है ये कि मई से ही हमारा चाइना के साथ एक स्टैंड ऑफ चल रहा है LAC पे, और जून 15 को आपको पता है काफ़ी दुखद इंसिडेंट भी हुआ था गलवान वैली पे जिसमें हमारे 20 जवानों की मृत्यु हो गई थी और चाइना के भी कुछ चाइना की तरफ से भी कुछ कैजुअलिटी थी, लेकिन उन्होंने जो है एग्जैक्ट नंबर कोई अभी तक निकाला नहीं है. तो ये PIB की फैक्ट चेक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने साफ साफ ये बता दिया है कि ये जो आर्टिकल्स थे, जो भी ये ट्वीट करके जितने भी ये न्यूज़पेपर्स ने आर्टिकल निकाले थे जिसमें जितने भी ये बातें बताई गई थी, ये बिल्कुल ही फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. द क्लेम्स साइटेड इन दीज मीडिया रिपोर्ट्स आर फेक, नो सच इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस इन लद्दाख. ठीक है, PIB आपको पता होगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये वो आर्टिकल था द संडे टाइम्स, संडे को आर्टिकल पब्लिश हुआ था, द टाइम्स ये न्यूज़पेपर है. चाइना टर्न्स लद्दाख बैटल ग्राउंड विद इंडिया इनटू अ माइक्रोवेव ओवन. ठीक है, तो इसमें मतलब इस पूरे आर्टिकल में जो आपके थे दीदी तांग, उन्होंने यही बताया था कि जो इंडियन आर्मी से कुछ स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है PLA ने ले ली है और इसमें कुछ माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था. ठीक है, तो इसी वजह से जो है इसको एक माइक्रोवेव ओवन की तरह इन्होंने शो किया था. Now, what did the report in the Times of London say on China's purported use of microwave weapons? तो इस रिपोर्ट में ऐसा क्या बताया गया था, उसको एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं. The Beijing Dateline report in the Times titled China turns Ladakh battleground with India into a microwave oven. तो ये आर्टिकल आपको नवंबर 17 को पब्लिश किया गया था. ठीक है, इसमें क्या क्या गया था, इसमें कहा गया था कि चाइना ने जो है एक माइक्रोवेव वेपन का इस्तेमाल करा और इंडियन आर्मी जो है उससे कुछ स्ट्रेटेजिक पोजिशन को उन्होंने वापस ले लिया, जो कि इंडिया ने अगस्त के लास्ट में जो है इंडिया ने अपने अंडर में ली थी. आपको पता है कि अगस्त के लास्ट की बात है जब काफ़ी एक फेमस इंसिडेंट हुआ था कि इंडियन आर्मी ने चाइना के कुछ मूव्स को पहले ही उनको भनक लग गई थी इंडियन आर्मी को, तो उन्होंने चाइनीज एक्शंस को वहीं पर थॉट कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक पोजिशंस को अपने अंडर ले लिया था. आपको पता होगा जो हमारी पेंगोंग सो लेक है उसका जो सदर्न बैंक है जो उसका, उसमें कुछ काफी स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी, इंडियन आर्मी ने उसको अपने अंडर ले लिया था, ये लेट अगस्त की आपकी बात है. तो इस आर्टिकल में उन्होंने यही बताया है कि इन माइक्रोवेव वेपन का इस्तेमाल करते हुए जो PLA है उसने इंडियन आर्मी से इन्हीं स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को वापस ले लिया है. ठीक है, जो कि इंडिया ने अगस्त के लेट में बिल्कुल अपने अंडर में ली थी, पेंगोंग सो लेक का सदर्न बैंक है जैसे मैंने आपको बताया. ठीक है, और सेम ऐसा ही एक आर्टिकल जो था वो आपका एक ऑस्ट्रेलियन डेली न्यूज़पेपर है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन डेली, उसमें पब्लिश किया गया था जिसमें लिखा गया था चाइनाज माइक्रोवेव प्लस पल्स वेपन डिफीट्स इंडियन ट्रूप्स एट हिमालयन बॉर्डर. ठीक है, और आपको पता एक ये बात काफ़ी देख लीजिए आप कि ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर और ये टाइम्स न्यूज़पेपर है दोनों ही आपकी एक ही कंपनी के एक ही कंपनी के हैं और वो है आपका
रूपर्ट मर्डोक्स न्यूज कॉर्प, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक आप कह सकते हैं टैक्टिकल मूव है जो कि काफी कोऑर्डिनेटेड मैनर में किया गया। On August 29, Indian soldiers had taken the dominating heights on the south bank of Pangong So and in larger Chushul subsector. जैसे कि मैं आपको बताया कि वो जो एक हुआ था हल्का फुल्का वो स्टैंड ऑफ जो मतलब जो टेंशन एकदम से बढ़ गई थी अगस्त के लास्ट के कुछ दिनों में, तो उसी वक्त की यह बात है जब इंडिया ने कुछ स्ट्रेटेजिक पोजिशन को ले लिया था जिसमें आपके चुशुल के कुछ सेक्टर थे आपके आपके साउदर्न बैंक में जितने भी आपके पैंगोंग सो के जितने भी आपके स्ट्रेटेजिक पोजिशन जैसे काला टॉप या फिर ब्लैक टॉप उनको भी इंडिया ने अपने अंडर ले लिया था, ठीक है। क्योंकि ये काफी हाइट पे ये एरियाज लोकेटेड है जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को सर्विलियंस में काफी हेल्प हो सकती थी, ठीक है। द चाइनीज प्रोफेसर कोटेड इन द रिपोर्ट क्लेम दैट चाइनीज फोर्सेस हैड टर्न्ड टू स्ट्रेटेजिक हिल टॉप्स ऑक्यूपाइड बाय इंडियन सोल्जर्स इनटू अ माइक्रोवेव ओवन फोर्सिंग देम टू रिट्रीट एंड अलाउइंग द पोजीशन टू बी रिटेकन विदाउट एन एक्सचेंज ऑफ कन्वेंशनल फायर। तो चाइनीज प्रोफेसर ने देखिए किस तरह की भाषा का यहाँ पे इस्तेमाल किया, उन्होंने ये बोला है कि पीएलए ने माइक्रोवेव ओवन में ट्रांसफॉर्म करते हुए उन पोजीशंस को फिर से इंडियन आर्मी से वापस ले लिया है, मतलब उन्होंने माइक्रोवेव वेपन का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से एक गोली भी उन्होंने फायर नहीं करी और फिर से जो ये पोजीशन उनको फिर से अपने अंडर ले लिया, जो कि कम्प्लीटली फेक है। क्योंकि आपको पता है कि अभी इंडिया और चाइना के से एक जॉइंट स्टेटमेंट निकला था डी एस्केलेशन के लिए और सब इस बात को लेकर काफी हैरान थे कि चाइना ने कैसे इस बात के लिए पहल कर दी कि डी एस्केलेशन का प्लान बनाया जाए, क्योंकि चाइना को भी पता है कि इंडिया के पास सदर्न बैंक में कुछ ज्यादा स्ट्रेटेजिक पोजीशन अपने पास उन्होंने ले रखी है जो कि चाइना के अगेंस्ट में काफी काम आ सकती है, ठीक है। तो फिर एक टाइम पे ये डी एस्केलेशन प्लान भी आना उसके बाद ऐसे आर्टिकल पब्लिश होना, तो ये तो बिल्कुल मतलब एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये वो मैप है, ठीक है। ये आपका पैंगोंग सो लेक आपकी है, इसका नदर बैंक ऊपर वाला फिंगर्स आपको पता है फिंगर्स यहाँ पे काफी ज्यादा होते हैं फिंगर 4 फिंगर 8 तक हैं ये, तो फिर इसका ही सदर बैंक है। तो उस पर आप ये देख लीजिए आपका हेलमेट टॉप दिस इज योर ब्लैक टॉप एंड आपका ये आपका चुशुल का सेक्टर ये रहा। तो यहाँ पे कुछ आपकी ऐसी कुछ टॉप थी कुछ आपकी हिल्स थी जिनको इंडिया ने अपने अंडर ले लिया था और ये काफी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। लास्ट में उन्होंने कंक्लूड कैसे किया, उन्होंने कहा विद इन 15 मिनट्स ऑफ द वेपन्स बीइंग डिप्लॉयड दीस दोज ऑक्यूपाइंग द हिल टॉप्स ऑल बिगेन टू वॉमिट, मतलब 15 मिनट्स के बाद जैसे ही हमने अपने वेपन्स को वहां पे डिप्लॉय किया जितने भी वहां पे इंडियन ट्रूप्स थे उन्होंने सबने उल्टियां करना स्टार्ट कर दिया। दे कुड नॉट स्टैंड अप फॉर द फ्लैड, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे जिसकी वजह से वो लोग भाग गए, ठीक है। तो देखिए आप किसी देश की आर्मी के बारे में ऐसी बातें बोलना कहीं से भी एथिकल नहीं है। आप किसी देश की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोल लीजिए वहाँ के गवर्नमेंट के बारे में बोल लीजिए पर आर्मी के बारे में नहीं बोलना क्योंकि सोल्जर्स तो हर कंट्री के ही बराबर होते हैं। दिस वॉज हाउ वी रिटू द ग्राउंड द प्रोफेसर रिपोर्टेडली टोल्ड हिज स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ लेक्चर। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जिन सेड वी डिडंट पब्लिसाइज इट बिकॉज वी सॉल्व द प्रॉब्लम ब्यूटिफुली एंड दे डिडंट पब्लिसाइज इट ईदर बिकॉज दे लॉस्ट सो मिजरेबली। तो उन्होंने लास्ट में क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमने तो इसको इस वजह से पब्लिसाइज नहीं किया क्योंकि हमने काफी सुंदर तरीके से काफी स्मूथली हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और इंडिया ने इस प्रॉब्लम को इस वजह से पब्लिसाइज नहीं किया क्योंकि इंडिया जो है यहाँ पे बहुत गंदे तरीके से हार गया, ठीक है। तो ये चाइना का हमेशा ही एक ये टैक्टिक रहा है कि वो क्या करता है कि अपनी डोमेस्टिक जो उसकी प्रॉब्लम्स होती है जो डोमेस्टिक वहाँ के गवर्नमेंट के जो लूप होल्स होते हैं उनसे पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए वो एक फॉरेन प्रॉब्लम जो है एक सामने लगा खड़ी कर देता है, फॉरेन एक अपने एडवर्सरी को चुन लेता है जिसके खिलाफ वो लगातार अपना रेटोरिक स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का ध्यान उस फॉरेन कंट्री पर ज़्यादा हो जाता है और गवर्नमेंट की जो आपकी गवर्नमेंट की मेल प्रैक्टिसेज है वहाँ से हट जाते हैं, ठीक है। तो अभी भी चाइना कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। तो अब जानते हैं कि माइक्रोवेव वेपन्स होते क्या हैं, जैसे नाम को आपको पता लग रहा होगा कि माइक्रोवेव इसमें लिखा हुआ है माइक्रोवेव ओवन, आपने नाम हमेशा ऑब्वियसली सुना ही होगा सबके घरों में रहता ही है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि जिस प्रिंसिपल पे आपका माइक्रोवेव ओवन काम करता है उसमें आपको पता है कि माइक्रोवेव उसमें होती है और वहाँ पे जो मेटल आपकी रोड्स लगी रहती हैं उनके बीच में वो माइक्रोवेव जो है एक दूसरे से टच करके रिफ्लेक्ट होती रहती है और जिसमें फूड रखा रहता है वो फूड जो है उस हीट को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद उसमें आपका जितना भी वाटर वाला जो हिस्सा होता है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है और जिसकी वजह से हमारा जो पूरा खाना है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे माइक्रोवेव वेपन से इस्तेमाल किए जाते हैं, एक तरह की डायरेक्ट एनर्जी होती है ये जो कि आपकी किसी भी फॉर्म हो सकती है या तो सोनिक या लेजर या फिर माइक्रोवेव, ठीक है। एक टारगेट पे इसको फोकस किया जाता है जिसके बाद क्या होता है कि अगर ये लाइट एक ह्यूमन बॉडी पे पड़ती है तो ह्यूमन बॉडी की जो स्किन होती है उसके स्किन में जितना भी वाटर होता है ना
वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। जैसे वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है जिसकी वजह से उस इंसान को जो है दर्द होने लगता है, उसको हल्का हल्का डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, एंजाइटी या फिर नोजिया जैसी कुछ और भी सिम्टम्स उसको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है कुछ उसकी बॉडी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं, उसके फ्लूड्स में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। इन माइक्रोवेव ओवन, जैसे कि मैंने आपको बताया, एन इलेक्ट्रॉन ट्यूब कॉल्ड अ मैग्नेट्रॉन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो आपकी वेव्स हैं ये बाउंस होती हैं एक मैटर से दूसरे मैटर पे, जिसकी वजह से ये फूड के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, अब्जॉर्ब उसको कर लेता है फूड, और जितने भी आपका वॉटरी जो हिस्सा होता है ना फूड का, वो फिर गर्म होने लगता है, जिसकी वजह से पूरा फूड गर्म हो जाता है। और यही एक रीज़न है कि जो जिस खाने में ना पानी ज़्यादा होता है वो खाना जल्दी से जल्दी गर्म हो जाता है एक ओवन के अंदर, और जो फूड जो है उस थोड़ा ड्राई होता है वो थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। यही एक रीज़न है, क्योंकि इसका जो मेन इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो वाटर कंटेंट पर ज़्यादा देखने को मिलता है। अब है कि काम कैसे करते हैं, ये आपका वेपन है, ठीक है, ये आपके सोल्जर्स हो गए दो, तो ये लेजर लाइट ऐसे मार रहे हैं, ठीक है। अभी ह्यूमन बॉडी का जो आपको पता है एवरेज टेम्परेचर होता है वो आपका होता है 98 फ़ारेनहाइट डिग्री, ठीक है। तो फिर जैसे ये लेजर लाइट में पड़ती है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ के हो जाता है 130 फ़ारेनहाइट तक, इनका टेम्परेचर बढ़ के पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि इनकी स्किन गर्म होने लग जाती है, इनका जो बॉडी फ्लूड है वो गर्म होने लग जाता है, और इनको काफ़ी डिस्कम्फर्ट, काफ़ी आप कह सकते हैं कुछ एडवर्स सिम्टम्स इनको आ जाते हैं, कुछ आप कहते हैं नोजिया जैसे भी इनको सिम्टम्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे खड़े नहीं रह पाते और ऑब्वियसली इनको भाग के जाना पड़ता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ना लीथल भी नहीं है ये बिल्कुल से, इनकी एकदम से डेथ भी नहीं हो जाती, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा टॉर्चरस सा ये एक टैक्टिक है जो मतलब चाइना यूज़ कर रहा था, चाइना ने मतलब अपने रिपोर्ट में कहा है कि वो यूज़ कर रहे हैं। द एक्टिव डिलाइज सिस्टम डिटर्स अटैकर्स बाय सेंडिंग अननोन लीथल मिलीमीटर वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कॉजिंग अ बर्निंग सेंसेशन। इफ ये आपका है एक्टिव डिलाइज सिस्टम ADS, ये आपका अमेरिका का सिस्टम है, अमेरिका भी कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है अपने कुछ कन्वेंशनल वॉर्स तो नहीं कह सकते आप, पर मतलब कोई भी उसका कहीं पर कुछ होता है कोई सिचुएशन, यहाँ पे कहीं पे भी जैसे अमेरिका की मिलिट्री कहीं जगह बहुत सारी जगह पर डिप्लॉय हो रखी है, तो चाहे अमेरिका जो है वहाँ पे भी इन वेपन्स का इस्तेमाल करता है। तो विच कंट्रीज हैव दीज माइक्रोवेव वेपन्स, तो किन किन देशों के पास ये है, एक चाइना के पास है ये, चाइना का जो वेपन है उसका है नाम है पोली WP-1, इसको चाइना ने 2014 में पब्लिक के सामने लाया गया था चाइना द्वारा, ठीक है। और एक आपका अमेरिका के पास है, अमेरिका के पास है एक्टिव डिनाइल सिस्टम, जो एक्टिव डिनाइल सिस्टम इसकी फोटो मैं आपको दिखाऊंगा दोनों की अभी, ठीक है। तो जो आपका अमेरिका का है ADS वो नॉन लीथल है, मतलब उसमें किसी की मृत्यु नहीं होती, बस वो एक डिटरेंस के तौर पे काम करता है कि बस पर्सनल को भगाया जा सके, एक डिटरेंस के रूप में उसको इस्तेमाल किया जा सके। ये आपका चाइना का है पोली WP-1, ये देख लीजिए आपका, ये यहाँ से शायद ये माइक में आपकी वेव निकलती होगी, ये आपका चाइना का है, ये आपका अमेरिका का ADS एक्टिव डिनायल सिस्टम, ठीक है। तो हैव माइक्रोवेव वेपन्स बीन यूज इन द पास्ट, क्या इनका इस्तेमाल पास्ट में भी किया गया है कहीं पे? तो ऐसी रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम देखें तो अमेरिका ने इसको अफगानिस्तान में जरूर डिप्लॉय किया था एक बार, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान में काफ़ी ट्रूप्स अमेरिका की हमेशा से प्रेजेंट रही हैं तालिबान की वजह से, तो लेकिन उसको फिर बाद में वहां से विड्रॉ कर लिया गया था, उसका इस्तेमाल ह्यूमन टारगेट्स पे नहीं किया गया था, ठीक है। और 2017 के लास्ट में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसमें ऐसा बताया गया था कि US एम्बेसी जो आपकी हवाना में है क्यूबा में, ठीक है, वहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे उनके उनके अगेंस्ट में कुछ आपकी इस तरीके के वेपन का इस्तेमाल किया गया था। और 2018 में एक ऐसी रिपोर्ट आई थी जिसमें ऐसा बताया गया था कि जो आपके US कॉन्सुलेट के जो एम्प्लॉयज थे, जो आपका US स्टाफ था वहाँ पे चाइना में, उनके खिलाफ भी कुछ ऐसा एक सिमिलर अटैक देखने को हमें मिला था, वहाँ पे कंप्लेन ऐसी की गई थी, ठीक है। तो फिर अगर हम देखें टोटल तो आज तक अमेरिकन डिप्लोमेट्स पे ऐसे तीन आप कह सकते हैं 3 दर्जन हमले ऐसे हो चुके हैं, ठीक है ना। ऑल दीज इंडिविजुअल्स रिपोर्टेड मिस्टीरियस ग्रेटिंग नॉइजेस और सडन प्रेशर प्रेशर चेंजेस एंड वाइब्रेशंस इन देयर होटल रूम्स और होम्स। तो जितने भी आपके यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स थे उन्होंने यही कहा था कि इनके होटल रूम्स और इनके जो घरों में एक तरह की एकदम से वाइब्रेशन बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर
एकदम से हो गया था और बहुत ज्यादा शोर होने लग गया था, तो जिसकी वजह से इनको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली थी। तो उन्होंने कुछ ऐसी कंप्लेंट्स जो है ये बताई थी। तो इससे होता क्या है, दे ऑल्सो रिपोर्टेड सिम्टम्स इंक्लूडिंग नोजिया, सीवियर हेड एक्स, फैटीग, डिजीनेस, स्लीप प्रॉब्लम्स एंड हेयरिंग लॉस, विच हैव सिंस केम टू बी नोन एज हवाना सिंड्रोम। तो उन्होंने किस तरह के सिम्टम्स को उन्होंने बताया कि क्या क्या सिम्टम्स उनमें देखने को मिले, वो था कि नोजिया, सीवियर हेड एक्स मतलब सर दर्द, फैटीग, थकावट, सोने में प्रॉब्लम, सुनने में प्रॉब्लम। तो इन सब सिम्टम्स को बना के इसको क्या बोल दिया गया, इनको बोल दिया गया हवाना सिंड्रोम, क्योंकि कहाँ देखा गया था आपका, क्यूबा के हवाना में, जहाँ पे यूएस एम्बेसी लोकेटेड थी। हाउएवर अ मेडिकल टीम दैट एग्जामिन 21 ऑफ दोज अफेक्टेड इन क्यूबा डिड नॉट मेंशन माइक्रोवेव वेपन्स इन स्टडी पब्लिश इन द जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। लेकिन जो मेडिकल टीम थे जिनने इनको एग्जामिन किया, उन्होंने माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल कहीं पे भी अपनी स्टडी में नहीं बताया। Neither the State Department nor the FBI have publicly pointed to microwave weapons as being the cause of the syndrome. जो आपकी वहाँ की FBI है, Federal Bureau of Investigation, जो वहाँ का State Department है, उन्होंने भी ऐसी कुछ weapons के बारे में publicly कुछ ऐसा नहीं कहा कि यही जो है इन सब चीज़ों का कारण था। तो कितने खतरनाक है ये weapons, ठीक है। Concerns have been raised on whether they can damage the eyes or have a carcinogenic impact in the long term. मतलब ऐसी कुछ चिंताएं उठाई गई है जिसमें कहा गया था कि शायद ये जो है ये एक ह्यूमन बॉडी की आईज को जो है अफेक्ट कर सकती है एडवर्सली, ठीक है। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एफएक्यू स्पेसिफिकली स्टेज इट्स एक्टिव डिनायल सिस्टम डज नॉट कॉज कैंसर, ठीक है। तो यूएस डिपार्टमेंट ने ऐसा साफ साफ क्लियर कर दिया है कि जो इसका एडीएस है उससे किसी भी तरीके से कैंसर या फिर इनफर्टिलिटी नहीं होती है। तो यूएस ने पहले ये कह दिया था कि जिस इसका जो वेपन है वो नॉन लीथल है, तो मतलब इसका कोई भी एडवर्स इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा ह्यूमन बॉडी पे, ठीक है। तो उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि इससे कैंसर या फिर इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। इट ऑल्सो सेज दैट स्टडीज हैव शोन दैट नेचुरल ब्लिंक रिफ्लेक्स एवर्जन रिस्पॉन्स एंड हेड टर्न ऑल प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम द वेपन। उन्होंने ये भी कहा कि जो नेचुरल मूवमेंट्स होते हैं जैसे कि आपकी ब्लिंक, जो आपकी आँख ब्लिंक होती है, वो आपका सर घुमाना, हेड टर्न, इन सबसे जो है आईज को वेपन से बचाया जा सकता है। इट इज नॉट क्लियर येट हाउ चाइना इंटेंड टू यूज सच अ वेपन एंड वेदर इट कैन किल और कॉज लास्टिंग डैमेज इन ह्यूमन टारगेट्स, क्योंकि आपको पता है चाइना के पास भी ऐसा वेपन है POLY WP1, ठीक है। लेकिन जैसे यूएस डिपार्टमेंट ने तो अपना एक कह सकते हैं अपनी FAQ में आंसर दे दिया कि हमारे वेपन से ऐसे कुछ एडवर्स इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलते, लेकिन चाइना के पास भी ऐसा वेपन, चाइना ने तो ऐसा कुछ अभी तक हमें बताया नहीं है, ठीक है। क्या इसके लिए जैसे क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, क्या क्या जो है ह्यूमन बॉडी पे असर इसका पड़ सकता है, ठीक है। तो चाइना के लिए भी चाइना की तरफ से भी अनक्लियर है कि वो कैसे इसको यूज करना चाहता है और कैसे क्या है इसके इम्पैक्ट्स ह्यूमन बॉडी पे हो सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब अचीव IAS एंड जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। थैंक यू सो मच।